आस्था की नगरी हरिद्वार में 1 अप्रैल से महाकुंभ होना है, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस महाकुंभ में 2 बड़े विभाग ऐसे हैं जिनके सामने महाकुंभ को शांतिपूर्ण और सही ढंग से संपन्न कराने की बड़ी चुनौती है, एक तो स्वास्थ्य विभाग और दूसरा पुलिस विभाग। दरअसल प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ महाकुंभ के मेले में अपराधियों के झुंड पहुंच रहे हैं। ऐसे मेले में अपराधियों के लिए चांदी हो जाती है, लेकिन इस सब के बीच पुलिस ने महाकुंभ से पहले ही ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ शुरू कर दी है। नहीं, इस संबंध में पहले भी जो है पुलिस मुख्यालय देहरादून में जो है इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक इसमें करी गई है, जिसमें 6 राज्यों के जो तमाम आला अधिकारी है यहाँ मौजूद थे। उसमें हमने उनसे ये बात रखी थी कि जो है कुंभ के मद्देनजर जो है जो ऐसे छोटे और बड़े दोनों टाइप के अपराधी यहाँ पहुंचते हैं, तो उनसे एक हमने अनुरोध किया, तो वो लोग अपना डाटा वो शेयर कर रहे हैं कि जो नज़दीकी जो पड़ोसी राज्य है राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तो हरियाणा, तो यहाँ के जो भी उनके क्रिमिनल है, ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल है, तो उनका डाटा हमारे पास आएगा। तो उसके बाद जो है हम लोग कुंभ में लगातार वेरिफिकेशन कर रहे हैं तमाम जो है होटल, धर्मशाला, कौन रुके हैं क्या नहीं, और मॉडर्न टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास उनके फोटो भी है, तो हम उस पर फेशियल रिकॉग्निशन भी कर रहे हैं कि ऐसा कोई क्रिमिनल जो है इस एरिया में घूमता हुआ तो नहीं पाया गया है। तो हमारे पास जो उपलब्ध फोटोज जो है उससे वो भी हम लोग एक उच्चकृत जो है सॉफ्टवेयर जो है बड़ा वाला जो है सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है कुंभ मेले के लिए विशेष तौर पर, तो उसका भी फायदा लिया जाएगा क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो है पूरी तरह ये सुरक्षित कुंभ होगा, और जो है इसमें प्रिवेंटेशन कार्रवाई भी की जा रही है कि जो पहले ही इस तरह। हाँ बिल्कुल, जो पहले के जो इस तरह से ऑन रिकॉर्ड जो जेब कतरे है और जो ये इस तरह धार्मिक को फायदा लेकर गैर फायदा लेकर जो है इसको इस तरह के कार्य करते हैं, तो उनको जो है बुलाकर उनके अगेंस्ट में जो है प्रिवेंटिव कार्रवाई भी जो है पुलिस लगातार कर रही है इसमें। दरअसल महाकुंभ में अपराधी पहुंचकर अपराध को अंजाम न दे सकें, इसके लिए आसपास के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ उत्तराखंड के पुलिस अधिकारी बैठक कर चुके हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है जिसमें चिन्हित अपराधियों की पहचान हो सके। इसके लिए महाकुंभ क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है, ताकि कुंभ क्षेत्र में यदि ऐसे अपराधी देखे जाएं तो उनको घटना से पहले ही गिरफ्तार किया जा सके और दिव्य महाकुंभ को अपराध से बचाया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।